गाइस, सो अगर आप जायरो पे शिफ्ट करना चाहते हो एंड आपको ये नहीं पता कि यार सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, कौन सी परफेक्ट सेंसिटिविटी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड आपको आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, हमें सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, गन एंड स्कोप। सो हम M4 ही लेंगे पहले, बिकॉज मोस्ट यूजेबल गन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहले अपन चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। एक बैकपैक हो गया एंड M4 M4 एंड गाइस फिर अटैचमेंट्स लगा लेते हैं। गाइस मैं वर्टिकल फोर ग्रिप प्रेफर करता हूँ बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ। तो लेट्स फर्स्ट एमओ ले लेते हैं। और हमें सारे स्कोप्स ले लें जिसकी जिसकी सेंसिटिविटी हमें रखनी है अपने। तो एक रेड डॉट पैक कर दें, 3x एंड 6x 4x। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने ले लिए एंड हमें एक जगह पे ऐसे खड़ा होना है गाइस। एंड हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखाता हूँ, चेक इट आउट। तो गाइस मेरी जायरो की सेंसिटिविटी ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3x को 260 पे रखा हुआ है एंड 4x को मैं 84 पे इसलिए रखा हुआ है बिकॉज मैं स्नैपिंग कभी कभी स्कोप की कमी से स्नैपिंग करनी पड़ती है। तो हो ऐसे, तो ऐसे आप इस स्प्रे के लिए इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लो अगर आपको रेड डॉट की वो करनी है, तो सबसे पहले आप सेंसिटिविटी में जाके इसको कस्टमाइज़ करो आप अपने अकॉर्डिंगली। लाइक अगर आप 250 पे कंफर्टेबल हो, आप यहाँ पे स्प्रे करके देखो कंफर्टेबल है कि नहीं है। एंड अगर आप इस पर कंफर्टेबल हो तो ठीक है, और एल्स अगर नहीं हो तो इसको घटा बढ़ा के आप दे सकते हो। मैं फुल 300 पे करूँगा बिकॉज ये इस पर परफेक्ट होता है। ऐसा गाइज एंड लेट्स सी दूसरे स्कोप को, 3x को हम देखते हैं। 3x का मेरा है अपना 260, बट आप इसको घटा बढ़ा के आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। लाइक 260 है तो 250 पे करके देख लो। गाइज ये नहीं होता कि जस्ट आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है और समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसा नहीं है, आपको शूट भी करना होता है, मूव भी करना होता है, एम करना होता है। लाइक सी ऐसे ऐसे जैसे बंदे बिखरे हुए हैं तो आपको ये करना होता है। इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट कि रिकॉइल आपको कंट्रोल करना है, आपको जस्ट एम भी करना है एंड बंदों को मारना है। ये गाइज तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंसिटिविटी चेक करो। मेरा 260 है लाइक दिस एंड फिर गाइज 3x हो गया एंड 4x का देख लेते हैं। गाइज ये बोलूँगा आपको किसी की सेंसिटिविटी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेंसिटिविटी पे काम करनी है। लाइक कौन सा आपके लिए परफेक्ट होगा, ज़्यादा फ़ोन ना ट्रैक करना पड़े, आप समझ रहे हो ना। तो गाइज फिर आप इधर आओ, फिर 4x का अगर स्प्रे करना है तो आप इसको 210 रखो बिकॉज आई यूज़ दैट पर्सनली। एम भी करना होता है ऐसे, तो ऐसे गाइज आप चेक करते रहना हर एक नंबर पे आके, ट्रेनिंग रूम में आके आप इजीली अपने सेंसिटिविटी को परफेक्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो गाइज तो आपको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती। मैंने 4x कर, अभी मैं स्प्रे करूँगा, थोड़ा सा मूव करूँगा, बहुत ज़्यादा मूव होगा। रिकॉल तो आप कंट्रोल कर लोगे लेकिन आप परफेक्ट एम नहीं कर पाओगे। लाइक बंदा अगर दूर से दौड़ के आ रहा है तो आप उसे परफेक्ट शॉट नहीं दे पाओगे बिकॉज मूव तेज होगा। तो आप धीरे धीरे पहले थोड़े कम सेंसिटिविटी पे खेलो एंड देन गाइज आप परफेक्ट जब हो जाओगे। सी कितना तेज मूव कर रहा है 300 पे, तो आप पहले स्लो से स्टार्ट करो, लाइक 200 210 220 ऐसे करके स्टार्ट करो। देन जब गाइज आप काफ़ी टाइम हो, लाइक एक्सपीरियंसड हो जाओ, तो फिर आप उसे शिफ्ट कर सकते हो लाइक 300 या फिर 270-280 पे। एंड 6x की बात ही अलग है गाइज, इसको लाइक ये तो हो गया फुल, ये हो गया फुल 6x। इसको आप अपन स्नाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो देखो इसकी कितनी स्लो है मेरी। तो मैं इसको एक्चुअली मैं इसको रखता हूँ, अपनी सेंसिटिविटी है मेरी 70 पे, स्नाइपिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड गाइज अभी ये 3x हो गया, तो जो मेरी 3x की सेंसिटिविटी है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो 260। ये मेरा परफेक्ट है, आप इससे इजीली वो कर सकते हो।
आप एम भी अच्छे से कर लोगे एंड आप रिकॉइल भी अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। बार बार गाइज मैं ये बोलूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा के एडजस्ट करो कि आप कौन से पे परफेक्ट शॉट ले पा रहे हो, किस पे परफेक्ट एम आप कर पा रहे हो। दैट्स इट गाइस, वीडियो में पूरा यही था कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो हर एक स्कोप को। यहाँ पे आप देख सकते हो एटेक्स स्कोप को मैंने 80 पे रखा हुआ है एंड जायरोस्कोप का थर्ड पर्सन नो स्कोप 300 पे है एंड फर्स्ट पर्सन नो स्कोप 201 पे है। तो आप देख सकते हो। तो दैट्स इट ऑल अबाउट वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार हिट द लाइक बटन एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय। आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, तो सपोर्ट दिखाना यार प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज़।